सो हे गाइस, न्यूज बॉय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रेंडिंग न्यूज से ही स्टार्ट करते हैं इलॉन मस्क के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा, इलॉन मस्क ने जो ट्विटर को खरीद लिया, तो अभी उनके कुछ हेटर्स भी है जो उनको क्रिटिसाइज भी करते। तो वो एक ट्वीट किए, द एक्सट्रीम एंटीबॉडी रिएक्शन फ्रॉम दोज हू फियर फ्री स्पीच सेज इट ऑल। उसके बाद वो नीचे लिखे, बाय फ्री स्पीच आई सिंपली मीन दैट विच मैचेस द लॉ। आई एम अगेंस्ट सेंसरशिप एंड दैट गोज फार बियॉन्ड द लॉ। इफ पीपल वांट लेस फ्री स्पीच दे विल आस्क गवर्नमेंट टू पास लॉज टू दैट इफेक्ट। देयरफॉर गोइंग बियॉन्ड द लॉ इज कॉन्ट्रेरी टू द विल ऑफ द पीपल। वो बताए कि फ्री स्पीच का मतलब यह नहीं कि वो जो है लॉ के अगेंस्ट में जाएंगे, गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से ही वो काम करेंगे, ऐसे अगेंस्ट में नहीं जाएंगे लॉ के। फिर वो एक और ट्वीट किया, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैं समझा नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन खोला, तो वहां पर एक बंदे ने एक्सप्लेन किया हुआ था वो क्या लिखे थे, लैटिन फ्रेश मीनिंग थ्रू हार्डशिप्स टू द स्टार्स। अच्छा, यहां पर बब्लू जी जो कि बीबी की वाइंस के कैरेक्टर है, उन्होंने भी रिएक्ट किया, मतलब कि बीबी की वाइंस प्रोडक्शन एक ट्वीट किए, इलॉन मस्क बजट टू बाय ट्विटर $44 बिलियन, बब्लू जी बजट टू बाय कार। आप देख सकते हो कितना बजट है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, राज ग्रोवर के बारे में। तो ये जो है शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं उनके चैनल पर, तो रिसेंटली इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके वजह से उनको हेट मिल रहा है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जैसे कि मैं बताया शॉर्ट्स वीडियो है तो छोटा है। मम्मी खाना लगा दो यार, भूख लग रही है। अरे वाह, मलिंगा भी आया है। जी आंटी, चलो बैठो खाना लगाती हूं। आंटी मजा आ गया खाने में, बुलाटी डाल दो। हां बेटा जरूर। भाई चम्मच ले ले, चम्मच की क्या जरूरत है। मजा आ गया। तौलिया, मैं आपको एक दो कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूँ, आप समझ जाओगे। ईटिंग विद हैंड्स इज आर कल्चर ब्रो। यस आई एग्री, चीविंग साउंड्स एंड नॉइज एंड वॉशिंग योर हैंड्स इन प्लेट इज नॉट ए गुड मैनर, बट ईटिंग विद हैंड्स इज आर कल्चर, इवन फॉरेनर्स आर ट्राइंग इट, प्लीज रिस्पेक्ट आर कल्चर। बाय द वे लव योर वीडियोस। व्हाई डू यू थिंक ईटिंग विद हैंड इज बैड, एटलीस्ट रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर, रेस्ट इज इंजॉयबल। बेसिकली एक बंदा हाथ से खा रहा था, आपको पता होगा, उसको मजाक उड़ाए थे अपने वीडियो में, तो उस चीज के ऊपर वो भी रिएक्ट किए, उसी वीडियो के नीचे वो कमेंट पिन किए जहां पर लिखा हुआ है, गाइज आई डिड नॉट क्रिटिसाइज ईटिंग बाय हैंड्स इन दिस वीडियो, एंड ईटिंग बाय हैंड कम ट्रेडिशन आई नो, बट हाथ से खाने का भी तरीका होता है। मैं उस तरीकों को और इस कैरेक्टर की ओवरऑल हरकतों को क्रिंज कह रहा हूँ, नॉट ईटिंग बाय हैंड्स, प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट। एंड वन मोर थिंग, आई नेवर मेंशन ट्रेडिशन कल्चर और रिलीजन इन माय वीडियोस, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू नॉट राइट ऑल दैट इन कमेंट्स। सो यस, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अगली अपडेट के बारे में, मुझे सुहेल चौधरी के बारे में, इनके अकाउंट पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1200 फॉलोअर्स है। तो इन्होंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किए थे जहां पर वो बोलते कि दे डोंट नो द पावर ऑफ मुस्लिम्स, एंड और भी कुछ बोले होते हैं, वो वीडियो तो मेरे पास है लेकिन मैं प्ले नहीं करूंगा ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइन इश्यूज। तो उस वीडियो को जो सम्राट भाई अपने ट्विटर पर शेयर किए थे, लिखे, दे डोंट नो द पावर ऑफ मुस्लिम्स, सुहेल फ्रॉम द नेशनल कैपिटल इज ओपनली थ्रेटनिंग हिंदूज आफ्टर राज ठाकरे अनाउंसमेंट ऑफ रीडिंग हनुमान चालीसा, विल मुंबई पुलिस टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, ही इवन कीप्स अनलाइसेंस्ड आर्म्स। एंड वो दिल्ली पुलिस को भी टैग किए, उसके बाद वो एक अपडेट दिया जहां पर लिखे, अपडेट, ही हैज बीन अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस। तो जो अभी अरेस्ट हो चुके इस मामले में। चलिए अगली अपडेट के बारे में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में, शो के बारे में तो कौन नहीं जानता, आप लोग अगर नहीं भी देखते हो देन फिर भी आपको इसके बारे में पता होगा। तो 25 अप्रैल को जो एपिसोड रिलीज हुआ था, वहां पर क्या हुआ कि ए मेरे वतन के लोगों एक सॉन्ग है, आपको पता होगा, वो सॉन्ग का रिलीज डेट को जो है 1965 दिखाया गया था, लेकिन एक्चुअल में वो सॉन्ग रिलीज हुआ था 26 जनवरी 1963 में। तो उसी चीज से रिलेटेड माफी मांगते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ट्वीट किए, वी वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू आर व्यूअर्स फैंस एंड वेल विशर्स, इन टूडेज एपिसोड वी इनएडवर्टेंटली मेंशन 1965 एज द ईयर ऑफ रिलीज ऑफ सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगो, however we would like to correct ourselves, the song was released on 26th January 1963, we promise to be mindful in the future, we appreciate your support and love, Asit Modi and team Tarak Mehta ka Ulta Chashma। so yes, aap mein se kitne saare logon ne wo episode dekha tha and kitne saare logon ko pata tha ki ye jo 26th January 1963 ko release hua tha wo song, and aap logo tabhi galat laga tha, matlab hai na, matlab samajh rahe ho na, to kitne saare log the batana niche comment karke। so chaliye agli update ke bare mein, matlab jaise Elvis Yadav and Kirti Mehra ke bare mein, to aapko pata hoga aapne Elvis Yadav ke videos mein Kirti Mehra ko dekha होगा, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन कुछ महीनों से एल्विस यादव के वीडियोस में कीर्ति मेहरा नहीं दिख रही है एंड कीर्ति मेहरा के वीडियोस में एल्विस यादव नहीं दिख रहे। तो उसका रीजन क्या है वो तो पता नहीं। मैं एल्विस यादव का कल एक व्लॉग देख रहा था, उसी व्लॉग के नीचे पहला कमेंट जिसमें बहुत सारे लाइक्स थे, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, वहां पर लिखा हुआ था, भाई कीर्ति के साथ क्यों नहीं रहते अब आप, एटलीस्ट मेक ए स्मॉल वीडियो मैसेज सो दैट एवरीबॉडी कैन सी एंड उनकी टेंशन खत्म हो जो आप सबके फैंस है। तो मैं सर्च किया ऐसे यूट्यूब पे ना क्या सीन है, यहाँ पर YT मनिया करके एक चैनल है जिसने कल एक वीडियो अपलोड किया है जहां पर कीर्ति मेहरा जो रिसेंटली
मीटअप करती है, वहां पर जो एक बंदा एल्विश यादव के बारे में पूछता है तो कीर्ति मेहरा जो इग्नोर कर देती है। यस, मैं आपको वाईटी मेनिया के वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। अब पता नहीं क्या सीन है, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट मुझे मिलता है देन फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। और यहाँ पर एल्विश यादव से ही रिलेटेड एक वीडियो है, तो कुछ टाइम पहले उन्होंने से अमेजॉन मिनी टीवी पर एक वीडियो अपलोड किया था हंगामा, तो वीडियो जो है रिकॉर्ड बना दिया अमेजॉन मिनी टीवी पर। यस, इसके बारे में बताते हुए एल्विश यादव जो कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे, आप देखिए। एक बात बताओ, चौंक गए ना? सही में चौंक गया ना? तुम्हारा भाई भी चौंक गया भाई, मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि अपनी वीडियो बन चुकी है हंगामा, जो थी मोस्ट वॉच्ड वीडियो ऑन अमेज़न मिनी टीवी। बहुत ज्यादा मजा आ रहा और बहुत ज्यादा थैंक यू सारे भाइयों का और उनकी बहनों का जो देख रही हैं, मतलब थैंक यू सो मच। चलिए अगली अपडेट के बारे में, मतलब ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान जो एक रील्स पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पर, ऐसे मतलब मोटिवेशन टाइप का मीम था वो। उसके बाद वो रील्स देखने के बाद कुछ लोग जो है और ही सोचने लगे उसके बारे में बताते हुए। एंड ऑल्सो आपको पता होगा एक मीम बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, छोटी बच्ची हो क्या वाला। तो यही सब चीजों के बारे में बताते हुए वो कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे, आप देखिए। यार मैंने अभी ये जो लास्ट स्टोरी में रील शेयर करी, मैंने ऐसे ही, मेरे को लगा मोटिवेशनल है थोड़ी सी, बना दी, अच्छी लग रही थी। अब उस पे सारे कमेंट कर रहे हैं हमें तो लगा कुछ आने वाला था, ये तो रील ही खत्म हो गई। एक बात बताओ, छोड़ी बच्ची हो क्या? बहुत ही बुरी थी एक्टिंग ये, छोड़ी बच्ची हो क्या? थोड़ी सी मोटिवेशन ही तो दी थी, बस ले लो। अरे एक चीज की कमी रह गई लास्ट दो स्टोरीज में, ये वाले फिल्टर की। छोड़ी बच्ची हो क्या? फिल्टर नहीं लगा सकते? छोड़ी बच्ची हो क्या? यहाँ पर ट्रिगर्ड इंसान का बात हो गया तो बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान का सॉन्ग अरसा जो है कल 20 अप्रैल को रिलीज हो जाएगा, यस, एंड 11 AM को, जो कि रिलीज होगा वॉयला डिगी के चैनल पर। यस, फुकरा इंसान का ये फर्स्ट बॉलीवुड कॉलैब है। उस सॉन्ग के दो सिंगर है, एक अमित मिश्रा एंड एक फुकरा इंसान। और सुना फुकरा इंसान का कल एक ग्लिच हो गया था, उनका वीडियो जो है 64 नंबर ट्रेंडिंग पर था। आपको पता होगा यूट्यूब पर जो है 50 वीडियोज ही ट्रेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर #64 ट्रेंड कर रहा था भाई। पता नहीं क्या पता, हो सकता है कि यूट्यूब जो है नया अपडेट लाए कि अब से 100 वीडियोज ट्रेंड करेंगी, कुछ भी हो सकता है भाई ऐसा। और यहाँ पर सॉन्ग का बात हो गया तो बता दो देसी गेमर्स भी अपना न्यू सॉन्ग का अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि वो रिलीज करने वाले थे जब उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। काफी लेट हो गया लेकिन वेट इज ओवर, उनका जो है सॉन्ग 30 अप्रैल को रिलीज हो जाएगा। इसके बारे में बताते हुए वो कुछ स्टोरीज भी पोस्ट किया, आप देखिए। सो गाइस, फाइनली आफ्टर 1 ईयर देसी गेमर्स ऑफिशियल सॉन्ग 10 मिलियन स्पेशल सॉन्ग 13 मिलियन होने वाले तब जाकर आ चुका है, तो काफी ज्यादा टाइम लिया इसके लिए, सॉरी। बट आज पोस्टर, डेट, नेम सब रिलीज हो चुका है मेरे पोस्ट पे, आप लोग जाके देख सकते हो। एंड हो सके तो 30 तारीख से पहले आप सब लोग शेयर करो, सबको बता दो कि सॉन्ग 30 तारीख को आ रहा है। एंड काफ़ी मेरे दिल के करीब है सॉन्ग, काफ़ी लाइक इट्स अ जर्नी सॉन्ग, काफ़ी मजा आने वाला है। टोटल गेमिंग भी उसी सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करते हुए ट्वीट किए, भाई वेटिंग। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, मैक्सटन के बारे में। तो मैक्सटन का अकाउंट सस्पेंड हो गया, ट्विटर अकाउंट। इलॉन मस्क रिसेंटली ट्विटर को खरीद लिया एंड मैक्सटन का अकाउंट शायद से चला गया, क्योंकि वो एक स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, रिप मतलब कि रेस्ट इन पीस। पता नहीं भाई क्या सीन है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे, अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हो आके मेरे पास, मुझे कर गिरफ्तार जैसे हो मर के।